देखिए, आज हमारी मुलाकात हुई है आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से, और हमने कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे इलिसिट लिकर की सेल की बात हो या ड्रग बिजनेस हो, और विशेष रूप से क्योंकि जितने भी क्राइम हैं वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने बढ़ती जो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं हैं जिसमें रोड रेज का भी इशू आता है उसके बारे में चर्चा की है, और ट्रैफिक को कैसे स्मूथ किया जा सकता है उस बारे में भी एक विस्तार से चर्चा हमने आज रखी थी। इसके साथ साथ क्योंकि लगातार ड्रग्स का और इलिसिट लिकर का धंधा जो है वो पूरे दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर जो छोटी बस्तियाँ हैं वहाँ पर इस चीज़ की ज़्यादा रिपोर्टिंग्स आ रही हैं, उससे भी हमने आपको अवगत कराया है। इसके साथ साथ कुछ देखने में आया कि जो ई रिक्शाज हैं ख़ास तौर पे, उनके साथ कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा वो धंधा करके अपना घर चलाने का जो काम करते हैं, उनके भी देखने में आया कि लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का चलान काटने का काम ट्रैफिक पुलिस ने किया है, तो उससे भी संजय जी को हमने अवगत कराया है। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ विमेन के खास तौर पे अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं, जिस तरीके से रेप के केसेस लगभग 5.67 पर डे, ये एक नेशनल एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा है, और इसी प्रकार से अगर एनसीआरबी के हम डेटास देखते हैं तो लगभग 3 गुना जो क्राइम है वो अन्य सिटीज़ के कंपैरिजन में 3 गुना क्राइम आज दिल्ली में हो रहे हैं। हमने संजय जी को जो वैकेंसीज़ हैं दिल्ली पुलिस में उसके बारे में भी अवगत कराया है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें बताया है कि कुछ शायद वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि दिल्ली की जनता जो अपने एक वाइब्रेंट सिटी होने के नाते, जिसमें वर्ल्ड क्लास सिटी होने के नाते, देश की कैपिटल होने के नाते, जहाँ महिलाएँ ख़ास तौर पर सेफ महसूस करनी चाहिए या जहाँ पर क्राइम कम से कम होना चाहिए, ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के कारणों का पता किया जाना चाहिए और उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संजय जी ने आश्वासन दिया है कि इन सभी मुद्दों पर वो बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और जो लूप्स हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर जो बीते दिनों में घटनाएं हुई लगातार जो है निशाना साध रही है केंद्र सरकार पर भी, इस बार जो चुनाव होने वाला है क्या आपको लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनेगी, क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार में आम आदमी पार्टी ने ही इसको एक मुद्दा बनाया? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। मुझे याद है यही केजरीवाल जी थे जो ये उस समय कहते थे कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए कुछ दिन के लिए, मैं देखता हूँ पुलिस कैसे काम नहीं करती, मैं देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे ठीक नहीं होती। आज 12 साल से आप सरकार चला रहे हैं और इस दौरान लगातार, मैं फिर भी मानता हूँ कि क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग आज जो जिन लोगों की इनकम नहीं है और उनके खर्चे ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं वो क्राइम की ओर खिसक जाता है। तो मैं मानता हूं कि अगर इस सरकार की फेलियर भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो जिन्होंने ये बात की थी कि 2 करोड़ जॉब्स वो हर साल देने का काम करेंगे, उसी प्रकार से माननीय केजरीवाल जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो महंगाई कम करेंगे, करप्शन कम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम करने का काम करेंगे, लेकिन ये दोनों सरकारें पूरी तरीके से फेल साबित हुई। सर, वो जो सोना